खाते हो ज्यादा का ठोको जानते हो ठोको खस्ता खस्ता व्हाट इज खस्ता सेम लाइक ठोकवा नहीं ठोकवा बड़ा होता है खस्ता छोटा होता है टेस्ट इज सेम चलो मान लेते हैं नॉट सेम ना ये लोग बनाते हैं लोग बनाते हैं नाउ अब देखिए पहले सबसे पहले आप ध्यान दो अपनी बॉडी पोर्शन का आप एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे राइट एक बार सब लोग खड़े हो जाओ बॉडी एकदम स्ट्रेट है बॉडी इज स्ट्रेट ऐसे हाथ उठा लीजिए सब पूरा उठाइए नीचे कर लीजिए ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए डांस भी हो गया चलो बैठ जाओ ऑलराइट सो नाउ द पॉइंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव टू नो योर बॉडी लैंग्वेज बाय द वे जैसे मुझे ये मार्कर के बारे में अभी मैं अरुण से कहूँ अरुण एक्सप्लेन मोर दिस मार्कर ये मार्कर के बारे में थोड़ा बताओ वहीं खड़े होकर This is a marker, and without marker, we cannot explain our thought. And a teacher can explain our thought, and he teaches students about marker. And this is made this company's कुछ भी बता दो whiteboard. Body language इनकी सही थी? हाथ पूरा मार्कर पे जाम था. मार्कर को बताना है कि सामने वाला खरीद ले. ऐसा बताना गाइस टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट वेरी स्पेशल कम ऑन टेल ऑलराइट अंडरस्टैंड दिस इज वेरी स्पेशल मार्कर इफ आई गिव यू ना खुदा की कसम यू विल यूज दिस प्रॉपरली ऑलराइट दिस मार्कर इज वेरी स्पेशल मेड इन जापान व्हेन आई टुक इट फर्स्ट टाइम आई रोट ओ माय गॉड इट वाज अ गुड राइट मतलब ऐसा बताओ सामने वाले की हलक से लेके दिल में चला जाए और जब दिल में कोई बात उतर जाती है तो कहेगा बिल फाड़ दे भैया ऑलराइट ओके अंडरस्टैंड प्लीज ओके सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड बताना कैसे है एकदम खो जाना है उसमें जो भी काम करना है एकदम खो जाना है और राइट जैसे पतंग उड़ाए हो कभी आजकल पतंग उड़ती है अगर जैसे थोड़ा सा भी ध्यान घटा मतलब हटा तो पतंग आपकी कट जाएगी हो जाती है ना कोई लाके अभी उस दिन मैं उड़ा रहा था एक छोटा सा बच्चा उड़ा रहा था लाके काट दिया मुझे अब मैं कहा यार मेरी पतंग चली गई तो थोड़ा सा ध्यान हट गया पतंग कट गई तो उसी तरह से ध्यान हटाना नहीं किसी चीज का राइट माई फ्रेंड्स ओके नाउ सो हैव यू गॉट द पॉइंट नाउ मैं बता रहा था आपको स्टैंडिंग पोजिशन ये हो गई हैंड जेस्चर हो गया अगर कंधा ना होता तो इंग्लिश का धंधा ना होता इंग्लिश बोलने वाले का कंधा बहुत जरूरी है और कुछ लोगों का कंधा बड़ा लूज रहता है सर माई नेम इज अब्दुल्ला आई एम फ्रॉम भादो हाँ माई नेम इज अब्दुल्ला आई एम फ्रॉम भादो ये बताओ कि इंग्लिश बोल रहे हो या जो है कि मलेरिया पकड़ा है उसकी उसकी दवा बता रहे हो पोषण मतलब पोषता ओके आई हैव अंडरस्टूड अबाउट एवरीथिंग एनी कंफ्यूजन एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ओके व्हेन यू जस्ट वांट टू स्टॉप योर हैंड्स दिस इज कॉल्ड ग्रैस्पिंग ऑफ हैंड्स इसको बोलते हैं ग्रैस्प करना तो हैंड्स को ग्रैस्प यहां मत करो और कुछ लोग बेल्ट के नीचे करने लगते हैं बेल्ट अपना छुपाने लगते हैं बिल्कुल गलत है यार इतना आप लोगों को खराब नहीं लगता है यहां अपना हाथ रखे हो मतलब दैट्स रॉन्ग ना गलत है ना आपको खुद एक बार सोचो कि कोई यहाँ पे हाथ रखता है तो कितना खराब लगता है और आप आके यहीं बार बार रख रहे हो दैट्स रॉन्ग कम्प्लीटली आदत छोड़ दो ये वहाँ पे रखते हैं जहाँ बहुत सम्मान होता है मतलब और ये भी एकदम नीचे नहीं इसे बेल्ट इसी बेल्ट के ऊपर रखते हैं राइट ये चीज़ें जानो आप पोर्शन कहाँ होना चाहिए एंड द पॉइंट इज दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स नाउ द पॉइंट इज दैट यू हैव टू ग्रेस्प योर हैंड्स आपका चेस्ट और ये आपका स्टमक जो है वहाँ उसके बीच में आपका यहाँ ग्रेस्प होना चाहिए राइट इट शुड बी ग्रेस्प ओके ओ माई गॉड व्हेन आई वेंट टू द पार्टी ना इट वॉज रियली अमेजिंग आई जस्ट वेंट एंड आई रीच्ड देयर ओ गॉड आई जस्ट फाउंड अ लॉट ऑफ मटेरियल्स एंड आइटम्स टू ईट अब देखो मेरा कहाँ हुआ यहाँ हुआ अरे इतनी ये चीज़ें मिली ये बड़ा मज़ा आया वहाँ पे हम लोग गाड़ी से गए थे और ये वो चीज़ गाड़ी से तो ही जाएंगे बैलगाड़ी थोड़ी जाएंगे ठीक है अंडरस्टूड नाउ ये आपका हैंड ग्रेस्पिंग हो गया लेग मूवमेंट हो गया हैंड हो गया शोल्डर हो गया अब बात आती है आई कॉन्टैक्ट की आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है अगर किसी से आप पर्सनली बात कर रहे हैं मैं इनसे पर्सनली बात कर रहा हूँ तो इनके और मेरे बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए कभी कभी मैं देखता हूँ ऊपर चढ़ जाते हैं ठीक है हाँ छोड़ेंगे नहीं पैरों और दबा देंगे क्या है सब आपको समझना चाहिए किसी एकदम टच हो जाओगे अगर सट जाओगे तो बात कर पाओगे
वेस्टर्न कल्चर क्या कहता है, वेस्टर्न कल्चर जो अमेरिका है, जो लंदन है, जो कनाडा है, वो कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होकर बात करो, क्योंकि वहाँ पे देखते हो जैसे ही मिलते हैं तुरंत गले वले मिलना, चाहे लड़की रहे चाहे लड़का, लेकिन यहाँ गले मिलोगे तो पहले जूती निकलेगी, पहले दो जूती पड़ेगी, उसके बाद जो है काम होगा कुछ। तो द प्रॉब्लम इज दैट कि आप जिस देश में रहते हो उस देश की संस्कृति जानना बहुत जरूरी है, तो चढ़ के बात मत करो किसी ऊपर, राइट, यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस, ओके, राइट, वन हैंड डिस्टेंस, वन हैंड डिस्टेंस। द सेकेंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इतना इतना मतलब मोशन में बोलना है कि सामने वाले को आवाज आपकी अच्छे से समझ में आए। जैसे हेलो सुधांशु, हेलो सर, कोरोना चल रहा है, सैनिटाइजर कर लेना, मुझे कोरोना है। हेलो सुधांशु, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? यस, आई एम गुड। व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सर, आई विल टेक योर सेशन। यू आर टेकिंग माय सेशन इन क्लास। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, जो है आराम से बात कर रहे हैं। अब यही मैं को हेलो सुधांशु हाउ आर यू, तो सुधांशु के सीने में एक दिल है और वो भी टूट सकता है इतनी तेज आवाज से। ऑलराइट, आप वहां वो बैठे, व्हाट्स योर नेम डियर? सोनू, हेलो सोनू, हाउ आर यू? अब ये ठीक है, हेलो सोनू, हाउ आर यू? ऐसा लग रहा है चोरी करने आया हूँ। साउंड डिस्टेंस के हिसाब से होना चाहिए। मुझे आपको बुलाना है, मुझे गुड मॉर्निंग कहना है, कैसे कहेंगे? थोड़ा और बढ़ा देंगे, राइट? अब मान लीजिए यही हॉल का चार गुना आवाज है, चार गुना मतलब ये चार गुना बड़ा है, अब कैसे आप लोग का होगा? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नहीं, चार गुना, और एकदम कोने में बैठे हैं आप, चार गुना बढ़ गया ना डिस्टेंस, अब कैसे होगा? गुड मॉर्निंग सर, राइट, राइट, हाँ। और आप यहाँ पे अगर ट्रेनर है तो कैसे बोलेंगे? Good morning everyone. और चार के बाद आठ गुना बढ़ गया। Good morning everyone. Yeah, right. Okay. So like this it should be. And now the matter of eye contact. Eye contact का क्या matter होता है? Eye contact जब भी आप किसी से बात करें, तो आप जो है माथे से लेके यहाँ उसके मतलब ठुड्डी तक, ये दाढ़ी तक देख सकते हैं। अब होता क्या है कि हमें देखिए आँख से आँख मिलाना है, नाक पे हल्का नजर रखना है, माथे पे हल्का नजर रख सकते हैं, लिप पे नजर नहीं रखते हैं, होठ पे किसी के ज्यादा नजर नहीं डालेंगे, इसके नीचे नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हो, व्हेन यू टॉक विथ समबडी, तो आप उसके फेस से ही बात करते हो, आप उसके हाथ से, पैर से, कमर से बात नहीं करते। तो जब भी आप किसी से बात करो, आई कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइक दैट। All right? Yes, ठीक है इसका। और अचानक जो है हम जो है अगर जिसे किसी से नए से बात करते हैं, हेजिटेशन आ जाता है, अखियाँ इधर उधर भागने लगती है, मेंटेन नहीं हो पाती है। और खासकर मैं पहली बार गया था, एक जगह गया था, तो कोचिंग थी, तो वहाँ पे एक लड़की आके बैठ गई, और मैं डर गया, गाँव से गया, मैं कहा अरे यार बगल में बैठ गई, ठीक है, और एक लड़की आके सामने बैठ गई, और मैं उसको देख रहा हूँ और रो रहा हूँ अंदर मैं कहा कहाँ फंस गया मैं, वेयर आई हैव इंटरैक्ट। लेकिन धीरे धीरे फिर थोड़ा सा मामला हो गया, आदत हो गई। तो ये चीजें होती है हमारे साथ, इट हैपेंस विद अस। ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज दैट आंखें कभी मत चुराओ, क्योंकि जो आंखें चुराता है वो चोर कहलाता है। ऑलराइट, अब ये पॉइंट हो गया आई कॉन्टेक्ट का। अब ये मान लो कि यहाँ पे भाग बटा हुआ है, तीन भाग है, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स जो है बैठ के पढ़ रहे हैं, माई स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हियर एंड दीज आर थ्री पार्ट्स। ऑलराइट, सो आई विल फोकस लाइक दिस। माई डियर फ्रेंड्स, टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग। अब कुछ टीचर या कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना आप ध्यान देना, ध्यान दो कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में चलती है, और आप समझ जाओ इसको बात, ठीक है? जैसे किसी आपकी नज़र किसी की नज़र पे पड़ती ना, आपकी बात उसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ के समझ में आती है। समझ यार बात, हो सके तो सबसे आँख से आँख मिला लो, अगर हो सके, कम लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं तो कोना कोना देख के मिलाओ। राइट, divide the parts in your station, all right? Like for example, when I attend the seminar and annual function, I come, there's a big crowd of 500 people, then I just, you know, divide my contacts. I you know, there are two parts, yes. So there's a gap, all right? So I see, yes, first of all, like this front side, all right? Ladies and gentlemen, all right, today I'm going to explain you that what is the importance of English. Usko bhag mein baat do, all right? Yes. To aise lagega, samne wala care kar raha hai, right? Ye cheez samajh gayi?
समझ गई? Yes, समझ गई कि नहीं? समझ गए। चलिए,